ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का कर्म रूपी तीसरा कदम हर एक के गुणों को देख उन्हें सेवा में लगाना। बाबा हर बच्चे के गुण वर्णन कर उनमें उत्साह और खुशी भर देते और उसके उसी गुण को सेवा में लगाकर उसका कल्याण कर देते। बाबा कभी किसी बच्चे का अवगुण नहीं देखते। कोई सिलाई का काम जानता तो बाबा कहता, यह ईश्वरीय यज्ञ के लिए बहुत ही सर्विसेबल है। बाबा को ऐसे ही ज्ञान युक्त और पवित्र बच्चों के हाथ से सिले हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। कोई बूढ़ा या अनपढ़ होता तो बाबा उन्हें देख कहते, जो लोग वृद्ध हैं वो बहुत सर्विस कर सकते हैं क्योंकि वह अनुभवी हैं। यदि वे ईश्वरीय ज्ञान को अपने अनुभव सहित दूसरों को सुनाएंगे तो सुनने वालों को वह बात जच जाएगी। अनपढ़ को देख बाबा कहते, बच्चे आप पढ़े हुए नहीं हो तो क्या हुआ, केवल अल्फ और बे ये दो बातें ही जाननी हैं। ठीक इसी तरह बाबा बच्चों को निर्धनों को हर वर्ग तथा हर आयु के व्यक्तियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें लोक कल्याण के किसी न किसी कार्य में लगा देते, जिसमें जो गुण होता बाबा उसके उस गुण को यज्ञ सेवार्थ प्रयोग करते, जिससे उस व्यक्ति को अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में ईश्वरीय बल मिलता। ओम शांति।